गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों की सीमाएं। आज हम वित्तीय विवरणों की सीमाएं पढ़ेंगे, जिसका सबसे पहला पॉइंट है सूक्ष्मता का अभाव, यानी कि लैक ऑफ प्रिसिशन। वित्तीय विवरणों के तथ्य में बहुत अधिक सूक्ष्मता नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनकी जो विषय सामग्री है वो ऐसे मामलों से संबंधित होती है जिसे सूक्ष्मता से व्यक्त नहीं किया जा सकता, और ये तथ्य लेखांकन मान्यताओं एवं प्रथाओं पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गैर मौद्रिक तथ्यों का समावेश ना होना, यानी कि डू नॉट इंक्लूडेड मॉनेटरी आइटम्स। जो हमारे वित्तीय विवरण है वो गैर मौद्रिक तथ्यों को इंक्लूड नहीं करते। वित्तीय विवरण व्यवसाय का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें केवल जो मौद्रिक तथ्य हैं उनको ही सही सम्मिलित किया जाता है, जबकि जो गैर मौद्रिक तत्व हैं व्यवसाय के, वो भी तो किसी व्यवसाय को या को प्रभावित करते हैं, लेकिन वो गैर मौद्रिक तत्वों को इंक्लूड नहीं करते। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं तो व्यवसाय की साख, कर्मचारियों का मनोबल, प्रबंध की कुशलता आदि, ये सारे क्या हैं? गैर मौद्रिक तथ्य हैं जिनको वित्तीय विवरण अपने अंदर समावेश नहीं करता, लेकिन इन तत्वों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया जाता। कौन से तथ्य? यानी कि व्यवसाय की साख, कर्मचारियों का मनोबल, प्रबंध की कुशलता आदि। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऐतिहासिक प्रलेख, यानी कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ये जो वित्तीय विवरण है वो क्या है? एक ऐतिहासिक प्रलेख होते हैं, अतः जो व्यवसाय की जो वर्तमान स्थिति है, जो करंट कंडीशन है, उसका वो सही चित्रण नहीं कर पाते, यानी उसको ठीक से वो शो नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भूतकालीन घटनाओं पर आधारित, यानी कि ये पास्ट इवेंट पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स। वित्तीय विवरण भूतकालीन घटनाओं पर आधारित होते हैं और इसीलिए ये भविष्य के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। नेक्स्ट है ऊपरी दिखावे, यानी कि विंडो ड्रेसिंग। वित्तीय विवरणों में ऊपरी दिखावों का सहारा लेकर संस्था की स्थिति को वास्तविकता से अधिक अच्छा दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी एक तरीके से मतलब वो ऊपरी दिखावा करते हैं, एक्चुअल में किसी भी संस्था की वो जो कंडीशन होती है वो वैसी होती नहीं है जितना अच्छा वो वित्तीय विवरणों में दिखाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग से ये है। नेक्स्ट है अंतरिम प्रतिवेदन, यानी कि इंटरिम रिपोर्ट। वित्तीय विवरण अंतरिम प्रतिवेदन होते हैं क्योंकि व्यवसाय के वास्तविक लाभ की जानकारी व्यवसाय के समाप्त होने के बाद ही जानी जा सकती है। एक इंटरिम रिपोर्ट है, यानी कि सब कुछ जब पूरा की पूरा व्यवसाय समाप्त हो जाता है तभी हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है, बीच में नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल्य परिवर्तन को न दर्शाना, यानी कि डू नॉट रिफ्लेक्ट प्राइस लेवल चेंजेस। वित्तीय विवरण मूल्य परिवर्तनों को नहीं दर्शाते, ठीक है, अतः यह विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों में दिखाए गए तथ्य तुलनीय नहीं होते। वही जब ये रिफ्लेक्ट ही नहीं करता प्राइस लेवल चेंजेस, यानी कि मूल्यों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको दर्शाता ही नहीं है, तो इसीलिए जो और भी जो अन्य वर्ष हैं उनमें जो वित्तीय विवरणों में दिए गए तथ्य हैं फिर क्या होते हैं कि वो तुलनीय नहीं रहते, उनको हम कंपेयर नहीं कर पाते, वो फ्लक्चुएशन को ही शो नहीं करते प्राइस लेवल की। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत पक्षपात एवं ज्ञान से प्रभावित, यानी कि अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस एंड नॉलेज। ठीक है, वित्तीय विवरण के संपर्क मुक्त होते हैं, ठीक है, उनसे कुछ भी निष्कर्ष
निकाला जा सकता है। अतः इनके आधार पर निकाले गए जो निष्कर्ष हैं उसमें क्या है, वो प्रयोगकर्ता के व्यक्तिगत भावनाओं और ज्ञान से प्रभावित होते हैं। अब हम कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं एक आदर्श वित्तीय विवरण की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई एक आदर्श वित्तीय विवरण की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है, वित्तीय विवरण इस प्रकार तैयार किए जाने चाहिए जिससे वे तमाम सूचनाएं प्रकट होती हों जिनके आधार पर व्यवसाय की सच्ची तथा कैसी उचित वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। ठीक है, एक आदर्श वित्तीय विवरण ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भाई वित्तीय विवरण सरल एवं प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक इजी वे में एक सिंपल फॉर्म में शो प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी प्रेजेंट किया जाना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी इन विवरणों के आधार पर व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है, यह विवरण इस प्रकार के होने चाहिए कि इनकी महत्वपूर्ण राशियों को इस प्रकार प्रकट किया गया हो कि अध्ययनकर्ता का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो जाए, यानी ये अट्रैक्टिव भी होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इनको प्रेजेंट किया जाना चाहिए, जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट अमाउंट्स हैं वो इस तरीके से प्रकट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, गत वर्षों से संबंधित राशियाँ भी दी जानी चाहिए ताकि इन राशियों की तुलना हम वर्तमान वर्ष से करके उचित हम निष्कर्ष निकाल सकें। बिल्कुल ठीक है कि भाई और जो गत वर्ष हैं उनकी भी संबंधित राशियाँ इसमें दी जानी चाहिए ताकि क्या हम इनको कंपेयर कर सकें करंट ईयर के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वित्तीय विवरण जहाँ तक संभव हो संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित किए जाने चाहिए ताकि इनके जो अध्ययनकर्ता हैं उनको इसका विशाल रूप को देखकर कठिनाइयां प्रतीत ना हो। और लास्ट है हमारा, वित्तीय विवरण पत्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए जहां कहीं संभव हो अनुसूचियां भी बनाई जानी चाहिए।